प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश देने के निर्देश संचालक लोक शिक्षण द्वारा जारी किया गया है। संचालक स्कूल शिक्षा ने सभी संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग और जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने संभाग और जिले के अंतर्गत शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों का निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग और जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि कुछ जिलों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि विद्यार्थियों को शासकीय शाला में प्रवेश के दौरान स्थानीय निधियों जैसे एएफ, पीबीएफ, स्काउट, रेड क्रॉस, शाला विकास आदि शुल्क लिया जा रहा है। वर्तमान में समस्त शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, अतः किसी भी छात्र से शिक्षण संस्थान बंद रहने तक कोई भी शुल्क नहीं लिया जाए।